तो ये एडीएएस अप्रोच से क्लिबिडियम है, लेकिन इस अप्रोच में अभी स्टोरी बाकी है। बाकी ये है कि जब हम ये अप्रोच बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये पार्ट, इस पार्ट में जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, यानी कि सेविंग जो है वो कम है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। और इस पार्ट में जब एग्रीगेट सप्लाई ऊपर की ओर जा रहा है और एग्रीगेट डिमांड नीचे हो गया, यानी इस पार्ट में सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है। अब यहाँ पे आप इसको मोटे अर्थों में जानिए कि जब यहाँ पर इस पार्ट में आदमी, यहाँ तक इकोनॉमी जो है वो गरीब है, गरीब है, इसका मतलब कि इनकम लेवल वाई वाई लाइन जो है वो कम है। और कंजम्पशन तो हम जानते हैं, कंजम्पशन तो इनकम हो नहीं हो, अभी तो कोरोना काल में बंदी है, फिर भी कंजम्पशन बढ़ ही गया है। तो इनकम जो है, इनकम लाइन जब कम है, आय कम है, और उपभोग तो अपने लेवल से होता ही है, और कंजम्पशन है, इनकम जब कम है तो एमपीसी ज़्यादा होता है, लोगों की आय जब कम होती है तो यहाँ पर इस एरिया में, इस पूरे एरिया में क्या है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा है, उपभोग की प्रवृत्ति ज़्यादा है, यानी लोग का आय 500, खर्चा 1000 रुपया, बिकॉज दे आर अनसेचुरेटेड फ्रॉम वेरियस नीड्स। पैसा होगा मोबाइल खरीद लेंगे, टीवी खरीद लेंगे, कर्जा लेकर कंप्यूटर खरीद लेंगे, या इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती, प्रवृत्ति उसकी हाई है कंजम्पशन की, बिकॉज दे आर अनसेचुरेटेड, आय कम है, खर्चा ज़्यादा। तो इसका परिणाम ये होता है कि यहाँ पे सेविंग कम होता है, सेविंग कम होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इस एरिया में क्या होता है कि इस एरिया में एक व्हेन एएस इज मोर देन एडी, जब व्हाट हैपन एएस अप्रोच में है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कम है और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है। तो एग्रीगेट सप्लाई जब कम होगा इस एरिया में, क्या है, एग्रीगेट सप्लाई आपका कम है और एग्रीगेट डिमांड आपका ज़्यादा है, ऊपर है एग्रीगेट डिमांड, नीचे है एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई जब कम होगा और एग्रीगेट डिमांड जब ज़्यादा होगा, यानी कि एक तेजी की स्थिति रहेगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन रहेगा, मार्केट में डिमांड वस्तुओं का ज़्यादा होगा और